अरे आप 5 साल बाद आके नमस्कार कर रहे हैं, अरे भैया साल में 20 दवा कर लेते ना तो आपको आना नहीं पड़ता। लेकिन आजकल गवर्नमेंट बोलता है कि जिम्मेवारी हम लोग का नहीं है, पब्लिक का जिम्मेवारी। थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हम लोग सत्ता में कैसे आ जाए, पब्लिक कैसे मरे, वो क्या जिए, वो चले, उनका सिंपैथिक ले लेना है। नाम मोहम्मद भाटी है। ये भीड़ इतनी ज्यादा है और महामारी फैल रही है और 2 उम्मीदवारों की भी मौत हो गई है बंगाल में। विधानसभा चुनाव के 2 उम्मीदवार थे जिनकी मौत हो गई है, तो क्या लगता है ये चुनाव ही कारण है महामारी फैलने का बंगाल में? बंगाल में महामारी या पूरा हिंदुस्तान में महामारी जो आया है, ये महामारी फैल, ये उतार दे एक मिनट, महामारी फैलने का जो है मूल जो कारण है वो सरकार का है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। जब पहले महामारी यहाँ हुआ, शुरू हुआ, तो हम लोग अनभिज्ञ थे, अज्ञान थे, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या हवा है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इंसान मर रहा था, इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन 1 साल बाद भी हम लोग उससे सबक नहीं सीखे और उसी तरह से चल रहे हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार नहीं हुआ, इसका मेडिकल का ट्रीटमेंट करने का, ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में बेड नहीं बढ़ाया गया, ऑक्सीजन नहीं बढ़ाया गया, महामारी को कैसे कम करें वो नहीं किया गया। उसके जगह इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और उसमें भीड़ इकट्ठा होता है, चारों तरफ से आदमी जमा हो रहा है। और दूसरा हमको लग रहा है कि ये भीड़ इकट्ठा होके, और ये छूत का बीमारी नहीं है, अगर छूत का ही होता तो यहाँ पे लाखों आदमी चल रहा जा रहा है, अरे 1-2 को होता सभी को हो जाता। लेकिन जिसको पकड़ता है वो ज़रूर पकड़ता है और आदमी ख़त्म भी होता है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपको सेंट्रल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अहमदाबाद, कहीं का भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं तैयार हुआ? आप एक बताइए, महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन किया है, पहले लॉकडाउन किया, कितना गरीब रास्ता में मरा और बेहाल हो गया था, उसका भी सबक नहीं लिया, फिर तुरंत लॉकडाउन, और ट्रेन में वैसा का वैसा भीड़, वैसा उनको जाने के लिए जगह नहीं दिया गया, अलग से ट्रेन चला देता, वो ट्रेन में सुविधा देता, वो अपना घर तक पहुंच जाता, 10 दिन पहले टाइम लेता, डॉक्टर को टीम पहले तैयार किया जाता। बोला जाता है कि डॉक्टर और ये हमारा कोरोना वायरस के जो कोरोना जो योद्धा है उनके लिए हम लोग कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लोग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए सुविधा कुछ नहीं है, उनका तरफ से कुछ नहीं है। एक ही चीज़ खाली चल रहा है कि गवर्नमेंट जो भी वहाँ जो पूरा स्टेट होते वो गवर्नमेंट कैसे बन जाए, हम लोग सत्ता में कैसे आ जाए, पब्लिक कैसे मरे, वो क्या जिए, वो चले, उनका सिंपैथिक ले लेना है। ये बात करके आप ये बताइए, जिस देश में जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा, क्या आप चला जाएगा, आप बताइए कोरोना चला जाएगा? थाली दवा देना पड़ेगा, वैक्सीन क्यों आया, वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? अगर थाली से ही चला जाता तो वैक्सीन क्यों आता? वैक्सीन लगाने के बाद एक नेता की मौत हो गई है, मौत हुई है, ये 24 घंटे पहले। ये किसका फेलियर है? ये पब्लिक का फेलियर नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, जो सत्ताधारी है उसका दायित्व है कि वो राष्ट्र को ठीक चलाए, वो कानून व्यवस्था ठीक रखे, वो इलाज का ठीक कराए, मनुष्य ठीक चले। ये किसका जिम्मेवारी है? ये गवर्नमेंट का जिम्मेवारी होता है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट बोलता है कि जिम्मेवारी हम लोग का नहीं है, पब्लिक का जिम्मेवारी, हमको सत्ता में बैठा दिया। अभी बहुत आते हैं हमारे यहाँ नेता, मेरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, बहुत पटियाने आते हैं कोई भी पार्टी का, अरे आप 5 साल बाद आके नमस्कार कर रहे हैं, अरे भैया साल में 20 दवा कर लेते ना तो आपको आना नहीं पड़ता, हम लोग वोट ऐसे ही दे देते। तो जो 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 चीज़ हो रहा है, जो कोरोना फैल रहा है, उसका फेलियर है गवर्नमेंट, पब्लिक नहीं है। पब्लिक तो घर में बैठा, आप देखिए हम भी मास्क लगाया, वो लोग भी मास्क लगा के रखा है, सब आराम से चल रहा है। लेकिन ये हम पूरा गवर्नमेंट के साथ साथ में इस पब्लिक को भी ये माने ये बोलना चाहेंगे, जो 40% जनता, जो 40% जनता चुना, मंदिर या मनुष्य कैसे जिएगा, मंदिर बनेगा या इंसान कैसे जिएगा, या हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा या मंदिर बनेगा, उसमें चुना हम लोगों ने मंदिर को। तो अब आप इसका कोरोना के लिए क्यों रो रहे हैं, क्यों गाना गा रहे हैं कोरोना फैल रहा है? अरे कोरोना फैले फैले, कोई हर्जा नहीं, अपना काम तो हो गया। अभी आगे भी देश आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, उस पर चर्चा नहीं, चर्चा क्या होगा, चर्चा दूसरा, ये बड़ा ये छोटा, ये राजपूत है ये कंगाली है, ये ब्राह्मण है ये देवता है, अरे भाई इंसान है, और इंसान को बीमारी लगेगा, वो बीमारी लगेगा इंसान को,
तो इंसान बीमारी से यदि बचे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारा यही कहना है, गवर्नमेंट इससे ज्ञान ले, चाहे यहाँ का हो चाहे सेंट्रल हो, कोई भी सत्ताधारी हो, पब्लिक उनको सता देता है उनका अच्छाई के लिए। हमने वोट दिया, हमारा बच्चा, हम, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, देश का हर नागरिक वो अच्छा रहे और अच्छा चले, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये दोष उस 40% जनता का है जो सरकार ठीक से नहीं चुन पा रही है। हमारा जो व्यवस्था हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से जो लड़ाई देश के लिए लड़ना चाहिए वो अपने पेट के लिए नेता लड़ता है। आप जितना भी नेता देखिए, एक दफ़ा नेता बन गया उसको इंडस्ट्री खोलने का दरकार नहीं, उसको बोलने का अभ्यस्त होना चाहिए। झूठा बात सच्चा बात जितना बोल दे बस, उसके बाद में अच्छा से अच्छा और अच्छा पेट चलेगा और 10 खानदान भी चलेगा। तो अभी इंडस्ट्री बैठाओ और देश चलाओ। आज जो बेरोजगारी फैलता है, जो आपको कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई उस पर चित नहीं, उसका चिंतन भी नहीं। तो ये राष्ट्र जो चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है, और ये जो कोरोना हो रहा है वो भगवान का प्रकोप है, इनका हिसाब से, गवर्नमेंट का हिसाब से भगवान का प्रकोप है। भगवान का प्रकोप होता ही है, लेकिन इंसान को चाहिए कि उससे लड़े। आपको सर्दी है, गर्मी है, तो आप कम्बल ओढ़िएगा। सर्दी हो गया, जाड़ा में अगर बैठ जाइएगा तो आदमी ख़त्म हो जाएगा, धूप में जाएगा वो एकदम बेकार हो जाएगा, उसका भी शरीर पानी सूख के वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए ठंडा है, एसी है, चलाया उसको व्यवस्था हुआ, और वो सर्दी में रहा, कम्बल ओढ़ा, उसका व्यवस्था रहा। वैसे ही गवर्नमेंट आप बनाए हैं तो फिर उसके बाद में इलाज करने का व्यवस्था, हॉस्पिटल बनाने का, दवा का जुगाड़, उसका हर चीज़ देखने का जुगाड़ वो उनका होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य का बात है।